यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सियाराम। मेरे श्रोता भाई बहन, आज का विषय है कोरोना, जिससे पूरा विश्व प्रभावित है और हमारा भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रह गया। हमारे कुछ मित्रों ने ही हमसे कहा कि ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कौन से ग्रहों का समीकरण बना जिससे कोरोना की उत्पत्ति हुई या हम सब और पूरा विश्व इससे प्रभावित हैं। तो कई और ज्योतिर्विद के विचारों को हमने सुना जाना कि उनकी क्या राय है। तो उन कई की राय थी कि राहु और केतु, ये निश्चित है कि इस तरह जो छुआछूत की बीमारी होती है उसका कारण राहु और केतु होता है, ये निश्चित है। संक्रमण फैलाने वाला ग्रह राहु और केतु है, लेकिन राहु केतु इस संक्रमण को पूरे विश्व स्तर पर फैला दें, इनके अंदर वो क्षमता नहीं होती है। ये तभी हो सकता है जब इनका साथ कोई विस्तारवादी ग्रह दे पाए, जैसे बृहस्पति शनि। इनके अंदर क्षमता होती है कि किसी भी चीज़ को हम पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं, उसका विस्तार कर दें। तो कई ज्योतिर्विद का यह भी कहना था कि बृहस्पति और केतु का संबंध भी इस कोरोना का कारण बना। लेकिन ऐसा तो अक्सर होता है कि बृहस्पति और केतु का संबंध बनता है, लेकिन क्या इतनी बड़ी महामारी फैलती है क्या? ये कारण जरूर है, राहु केतु कारण है, बृहस्पति केतु की युति भी कारण है, लेकिन क्या यही पर्याप्त कारण है क्या? एक चीज और कि गुरु और शनि का संबंध बनता है तो भी ऐसी विपदा आती है, क्योंकि ज्योतिष में गुरु को जीव माना गया और शनि को यमराज, और दोनों का संबंध अगर बनता है तो इस तरह की समस्या जान माल की हानि होती है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये बीमारी चीन से फैली और दिसंबर के आखिरी और जनवरी की शुरुआत में सारे विश्व को कोरोना के बारे में मालूम चला। उस समय जब ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो धनु राशि में शनि, गुरु और केतु है, गुरु केतु का संबंध बना, साथ में शनि भी। कुछ लोगों ने बोला कि राहु वाद्रा नक्षत्र और केतु मूल नक्षत्र में, ये भी कारण होता है। तो ये सब कारण तो हैं, लेकिन क्या यही एक कारण मिलकर के इतने बड़े महामारी का कारण बना? तो मेरा जो अपना विचार है, हमने जब देखा कुछ महामारी जो पहले पूर्व में महामारी आई उसका जब अध्ययन किया तो कुछ सूत्र मिले। जैसे पहले प्लेग चला था, प्लेग के बारे में लोग बताते हैं कि ईसा पूर्व से ही ये प्लेग बीमारी और बाद में सारी बीमारी जो फैली। प्लेग का मतलब लोग समझते थे महामारी, और हमारे भारतवर्ष में भी 26 अगस्त 1994 को ये प्लेग की बीमारी हमारे भारतवर्ष में भी आई और काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। तो जब हमने 26 अगस्त 1994 के समय की जब ग्रहों की स्थिति देखी तो समीकरण यही पाया कि 26 अगस्त 1994 उस समय जब ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो गुरु और राहु की युति हो रही है। जिस समय कोरोना आया गुरु और केतु का संबंध बना, जिसमें प्लेग आया 1994 में 26 अगस्त गुरु राहु का संबंध बन रहा है, और शनि का भी संबंध गुरु राहु से बन रहा है। पंचम दृष्टि से शनि का संबंध गुरु राहु, शनि का संबंध एक बना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु और केतु संक्रमण को बृहस्पति ने विस्तार दिया और शनि का इन्वॉल्वमेंट आया, इसको और प्रभावशाली बना दिया। तो 1994 में जो महामारी फैली और आज कोरोना की, ये समीकरण उभर करके आया। तो कारण क्या बना? गुरु केतु का संबंध, साथ में शनि। ये अच्छा, गुरु और केतु का संबंध भी अक्सर बनता है, तो क्यों इस बार इतनी बड़ी महामारी बनी? तो उसका कारण है कि बृहस्पति और केतु धनु राशि, यानी बृहस्पति अपनी ही राशि में है, तो अपनी ही राशि में बृहस्पति जब हो और केतु का साथ हो तो ये महामारी के महामारी के अवसर बनते हैं। एक चीज ये निकल करके आई। तो अब जब ये ग्रहों के समीकरण जब ये बीमारी पैदा कर रहे हैं तो कब इससे राहत मिलेगी? तो कई विद्वानों का मानना है कि बृहस्पति और केतु का संबंध जब हटेगा तो इस महामारी से हमें राहत मिलेगी। तो 30 मार्च को बृहस्पति मकर राशि में जा रहे हैं, शनि मकर राशि में आ चुके हैं। तो शनि जैसे धनु से मकर राशि में आए तो एक बात तो निश्चित हो गई कि जान का नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि शनि मकर राशि में आ गए हैं और शनि अपनी ही राशि में आकर के जान का नुकसान नहीं करेंगे। तो बृहस्पति भी जब मकर राशि में आएंगे तो केतु और बृहस्पति का संबंध अलग होगा, केतु धनु राशि में रह जाएंगे और बृहस्पति मकर राशि में हो जाएंगे, लेकिन धन आर्थिक व्यवस्था की अनुमान से ज़्यादा नुकसान होगा, ये भी निश्चित है। और बृहस्पति आगे जा करके वक्री होकर के पुनः धनुराशि में आएगा, तो ये परमानेंट रिलीफ मिलने नहीं जा रहा है। हाँ, 30 मार्च से राहत मिलेगी। इसके अलावा कई और ज्योतिर्विद का मानना है कि सूर्य 13 अप्रैल को उच्च राशि में चले जाएंगे, तो ऐसी औषधि या टीका की खोज हो जाएगी जिससे चिकित्सीय दृष्टि से फायदा होगा। इसमें भी सच्चाई समझ में आ रही है, लेकिन मेरा एक और मानना है कि जब बृहस्पति और शनि दोनों मकर राशि में हैं तो जब बृहस्पति का अंश शनि के अंश से ज़्यादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से राहत मिलना आरंभ हो जाएगा, और बृहस्पति का अंश शनि के अंश से कब ज़्यादा होगा? 8 मई। 8 मई के बाद बृहस्पति का अंश शनि के अंश से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक तो राहत 8 मई के बाद ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, केतु का जब राशि परिवर्तन होगा, यानी वो धनु राशि से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो केतु वृश्चिक राशि में कब जाएंगे? 22 सितंबर को। तो 22 सितंबर के बाद से पूरे विश्व में राहत मिलना चालू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से वो तारीख, वो डेट जिससे सबसे ज़्यादा हमें राहत मिलेगी, पहला तो 30 मार्च है। जान माल का नुकसान कम होता चला जाएगा, लेकिन आर्थिक रूप से तो ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। दूसरा, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के बाद इसलिए क्योंकि सूर्य उच्च राशि में तो जाएगा, तो कुछ ऐसी औषधि का निर्माण हो जाएगा जिससे प्राण रक्षा में लाभ होगा। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण तिथि है, तारीख है, वो है 8 मई और 22 सितंबर। 8 मई के बाद गुरु का अंश शनि के अंश से ज़्यादा हो जाएगा और 22 सितंबर को केतु वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और बृहस्पति से अलग हो जाएंगे। और वैसे भी जैसे जैसे शनि की डिग्री बढ़ेगी तो वैसे वैसे भी कोरोना के कुप्रभाव से हम दूर होते चले जाएंगे। तो मित्रों, हम उपाय की बात नहीं कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से ग्रहों के समीकरण हुए जिससे कि कोरोना वायरस से हम सब प्रभावित हुए। वैसे अब ज्योतिष उपाय क्या हो सकते हैं? तो राहु और केतु मलिच्छ ग्रह माने गए हैं,
जब इनका प्रभाव हमारे पर होता है तो गंदगी हमारे पर प्रभावित होने लगती है। तो जितने स्वच्छता से हम रहें, यही मेडिकल साइंस भी कह रहा है, यही हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि साबुन से बार बार हाथ धोएं। अब जिंदगी उपाय भी है, ज्योतिष उपाय, कि इन ग्रहों से जब हम प्रभावित होते हैं तो गंदगी आने लगती है। तो जितना हम स्वच्छ रहें उतना ही हम इस रोग से दूर हो सकते हैं। तो हाथ साफ रखें, मिलने एक दूसरे से मिलने में दूरी बना कर रखें, हाथ ना मिलाएं, नमस्ते का अभिवादन करें और अपने डॉक्टर से अपने डॉक्टर की ही सलाह माने। जय सियाराम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।